अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे आज़री किचन में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ को शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ आलू के समोसे बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए हमने सबसे पहले मैंने बॉयल आलू लिए हैं, 4 से 5 हद मैंने आलू लिए हैं। इनको हमने मोटा हाथों से ही हमने इसको मैश करना है, इस तरह रख लेंगे हम इसको। और मैंने 1 हद बारीक प्याज कटा हुआ लिया है और साथ तकरीबन 3 से 4 हद मैंने हरी मिर्च लिए, इनको बारीक काट लेंगे। और इसके अंदर कसूरी मेथी ली है मैंने, आधा चम्मच सुरख मिर्च ली है और आधा ही चम्मच नमक ली है। और साथ ही मैंने सूखा धनिया लिया है 1/2 चम्मच और साथ हम थोड़ी सी अजवाइन लेंगे, तकरीबन 2 चुटकियाँ हम अजवाइन लेंगे। ये हम हमने इसकी समोसों की स्टफिंग बनाने के लिए ये हम चीज़ें यूज़ करेंगे। और साथ हम समोसों की पट्टी बनाने के लिए हमने मैदा लिया, मैंने तकरीबन 1/2 किलो मैदा लिया और उसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर घी हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर ही हम थोड़ा सा अजवाइन यूज़ करेंगे और नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे साथ, और पानी हम जितनी वो ज़रूरत होगी वो इसके अंदर ऐड जाएगा। अब सबसे पहले हम मैदा गूंद लेंगे समोसों के लिए, फिर हम बाद में इसकी स्टफिंग ऐड करेंगे। मैदा गूंदने के लिए हमने सबसे पहले बोल ले लिया, इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और साथ ही हमने इसके अंदर घी डाल देना है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। अब आपने दोनों हाथों से इस तरह पकड़ के आपने मैदे को सारा करना है, ताकि घी है वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से आपने इस तरह कर लेना। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखना आपने इस तरह अंदाज़ा लगाना है, आपने इस तरह आपने पकड़ना है। देखें जब इस तरह बन जाएगा तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से गूंज जाएगा। ये देखें इस तरह फ्लफी सा रेडी होगा इस तरह। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। एकदम से हमने पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और हम आटा गूंदते जाएंगे। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा गूंदते जाना हमने इस तरह। एकदम से आपने पानी नहीं डालना इसके अंदर। अच्छे से अब हमने आटा, जैसे हम आम आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने अब इसको गूंद लेना। आटा देखें अच्छे से हमारा गूंद चुका है। देखें ना तो जैसे मैंने बहुत पतला नहीं रखा, बिल्कुल हमने आम आटा जैसे गूंदते हैं हम उस तरह का आटा मैंने रखा, जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी, उतनी देर तक हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे समोसों की। हम समोसों की स्टफिंग रेडी करने के लिए हम कढ़ाई रख ली हुई है, फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है और सिर्फ तकरीबन मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड कर, ज़्यादा ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच। हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। सिर्फ हमने प्याज को पिंक कलर देना है, ज़्यादा हमने ब्राउन कलर नहीं देना, हल्का सा पिंक कलर करना है इसको। प्याज का कलर देखें चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये सब्ज मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम अब पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। नमक
नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे, जितनी आपको पसंद है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। अच्छे से आपने अब इनको मिक्स कर लेना। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें, स्किप भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब ये समोसों की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम में बंद कर दूंगी। अब हम इन्हें ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर हम समोसे रेडी करेंगे। देखो हमने रखे हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे और साथ मैंने ये मैदा ही लिया हुआ है। जितने आपने समोसे बनाने उस हिसाब से आप ले लें। इस तरह पेड़े बना के रखते जाएंगे आप। इसी तरह बाकी सारे बना लो। इस तरह देखें हमने पेड़े बना के रख लिए हैं। अब एक पेड़े के 2 समोसे रेडी होंगे। अब हम सबसे पहले रोटी बेलेंगे, थोड़ा सा हम खुश्का नीचे लगाएंगे। अच्छे से आपने पहले जगह, अच्छे से आपने पहले खुश्का लगा लेना है। इस तरह पहले आपने रोटी को अच्छे से पेड़े को आटा लगा लेना, फिर इस तरह आपने किनारों से करना। जिस तरह हम रोटी पकाते हैं उसी तरह हमने बेलना रोटी को। ज़्यादा हमने पतली नहीं रखना, बस आपने ये ख्याल रखना। अब देखें जी हमने इतनी ही रोटी बेल ली है। देखें ना तो ज़्यादा ये मोटी है और ना ही ये ज़्यादा पतली है, इतनी हमने रखेंगे। अब हमने इतना हमने दरमियान से इसको काट लेंगे। इसको हम साइड पे रखेंगे एक को। अब मैंने इतना सा कोली में पानी लिया है, इसके अंदर ये मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच में इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। ये हम गोल बना लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे। आप इस तरह आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल पानी भी लगा सकते हैं। इतना हमने बना लेना है, ज़्यादा ना तो हमने मोटा रखना ना ही इसको ज़्यादा पतला रखना है इसको। अब हमने इस तरह रखना है इसको, समोसे को हमने बना लेना है इस तरह। अब हम इस इधर हम लगाएंगे ये जो हमने मैदा बना लगाया है। इस तरह आपने लगा लेना और ऊपर से आपने अच्छे से बंद कर लेना। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे, फिलिंग डालेंगे। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहते हैं तो कम डालें। इस तरह देखें हमने समोसा बना के रेडी कर लिया। इसी तरह मैं दोबारा अब एक और बनाऊंगी। Thank you.
हाथ की मदद से हम लगा देंगे इसे। और आसान तरीका, आप इसी तरह इसको रख के ऐसे इसके अंदर ही आप फिलिंग ऐड कर सकते हैं ताकि आसानी से हो जाए। और अब हम किनारों पे भी लगाएंगे। अच्छे से आपने लगा लेना। अब हम इन्हें किनारों से आराम से इनका बंद करेंगे ऐसे। ये देखें जी, बंद कर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसी तरह बाकी सारे रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। समोसे हमने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। ट्रे में रखते हुए मैंने पहले खुशका इसके नीचे लगाया हुआ था, फिर हमने समोसे रखे इसके ऊपर। अब हमने सारे ये रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तकरीबन गर्म हो चुके हैं फुल ऑयल। जब गर्म होगा फिर हमने इसके अंदर समोसे ऐड करने हैं। अब हम समोसे ऐड करेंगे इसके अंदर। जब एक साइड ब्राउन हो जाएगी फिर हम दूसरी इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह आपने इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालते जाना है। इस तरह हल्के हल्के से इसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे। देखें नहीं माशाल्लाह से कैसे बबल्स बन गए, जैसे बाजार वाले होते हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी ताकि दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए। देखें नहीं माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, बिल्कुल बाजार जैसा। अब ये जी रेडी हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरह बाकी सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ अपने आप ना बचा कर इसके अंदर डालने हैं। इस तरह आप इसके ऊपर ऑयल ज़रूर डालेंगे, इस तरह बबल्स बनते हैं। अब मैं सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से समोसे बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आज कैसी लगेगी, और इसी तरह बनाकर बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट में लाजम बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत ही परफेक्ट और बाज़ार से बहुत ही अच्छे बने हैं ये। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए डेली बेस पर नई से नई रेसिपीज ला सकूं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।